मेरा नाम है प्रमोद, आपके चैनल भैया जी टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के डेट में मेरे वीवो V15 प्रो में जो आई थीम है उसमें एक अपडेट आया हुआ है जिसका वर्जन है 6.8.0.0। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस अपडेट के बाद जो आई थीम का लुक है बिल्कुल चेंज हो गया है, एक तरह से कहा जाए तो आई थीम का काया पलट गया है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो अपडेट आया था मेरे वीवो V15 प्रो में कब आया था मुझे पता नहीं चला, मगर ये बैकग्राउंड में अपडेट हो गया है। तो एक बार आप भी अपने वीवो V15 प्रो का जो आई थीम है उसको जाके अपडेट करिएगा तो हो सकता है कि ये अपडेट आपको मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि ये जो अपडेट आया है उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों ये भी बताऊंगा कि अगर ये अपडेट आपको पसंद नहीं आए तो आप प्रीवियस वर्जन में कैसे जा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो के अंत तक वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। हाँ दोस्तों चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं कि आपके वीवो V15 प्रो में जो आई थीम आया है उसमें क्या कुछ नया देखने। दोस्तों जब आप थीम को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह का लुक देखने को मिलेगा। तो मैं आपको एक बार दिखा भी दे रहा हूँ कि जो अभी जो अपडेट वर्जन आया है उसका वर्जन क्या है। तो आप देख सकते हैं जो वर्जन है वो 6.8.0.0 है और इसकी साइज भी दोस्तों मैं बता दूं 27 MB के आसपास की साइज है। और दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें बहुत कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं पहले आप नीचे यहाँ पे देखते थे तो 4 ऑप्शन मिलते थे, लेकिन अब इस अपडेट में आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, पॉपुलर, कैटेगरी और लोकल। और दोस्तों मैं बता दूं कि जब आप होम स्क्रीन पे रहेंगे तो इस तरह का लुक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे थीम्स हैं जो सारे परचेज करने वाले हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बिग सेल। एक तरह से कहा जाए तो वीवो ने एक नया बिजनेस शुरू किया है। इस ऑप्शन के थ्रू आप डिस्काउंट रेट पे थीम है या फॉन्ट है उसको या वॉलपेपर है वहां से परचेज कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट रेट में मिल जाएगा। तो एक तरह से दोस्तों वीवो ने यहाँ पे एक नया बिजनेस शुरू किया है आपके थीम को परचेज करने के लिए। और थीम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के अच्छे अच्छे थीम्स आपको मिलेंगे। और फॉन्ट की बात करें तो ये सारे फॉन्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफी कलरफुल है। यहाँ पे इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि ये पेड है या फ्री है, मगर दोस्तों मैं बता दूं कि ये सारे पेड थीम्स हैं। आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये परचेज का ऑप्शन आ रहा है, तो ये फ्री नहीं है। एक तरह से पता नहीं वीवो क्या करता है अपने यूजर्स के साथ। और वॉलपेपर की बात करें तो दोस्तों इस तरह के वॉलपेपर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी सारे परचेज वाले हैं। यह है कि प्राइस थोड़ी कम है। अब दोस्तों यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं कैटेगरी, ये बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर हम थीम की बात करें तो थीम पे टिक करेंगे तो ये कलर वाइज इस पे जो थीम है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपको रेड थीम में चाहिए तो ये क्लिक करेंगे तो सारे रेड कलर के जो थीम है वो आपको यहाँ पे आई देंगे। तो आप यहाँ से इसको परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। ब्लू चाहिए तो ब्लू में, येलो चाहिए तो ये सारे कलर वाइज आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। किसी कलर का थीम चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रंट की बात करें तो आपको फ्रंट में भी इसी तरह कलर वाइज आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। आप यहाँ पे बोल्ड में करेंगे तो इस तरह के आपके जो फॉन्ट हैं वो अपने आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और वॉलपेपर की बात करें तो यहाँ पे पर्पल में ये इस तरह के वॉलपेपर मिलेंगे, ऑरेंज में इस तरह के वॉलपेपर मिलेंगे। तो एक तरह से बहुत बढ़िया इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। मगर आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें अलग से फ्री नहीं प्रोवाइड किया गया है, सब कुछ आपको परचेज करना पड़ेगा। बात करें लोकल की तो यहाँ पे लोकल में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर हम लोकल थीम्स की बात करते दोस्तों, आप देख सकते हैं जब हम कोई लोकल थीम डाउनलोड करते थे तो सबसे ऊपर दिखाई देता था, लेकिन अब वो यहाँ पे आपका जो डाउनलोड थर्ड पार्टी जो थीम डाउनलोड किया है वो यहाँ पे नीचे दिखाई देगा। ये चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिला है। मैं बता दूं दोस्तों कि ये अपडेट अगर आपके पास नहीं आया है तो आप कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों इनका इन्होंने ये अभी के फाइल जो है वो मुझे प्रोवाइड किया है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं टेक्निकल क्यूट अपडेट अभी के फाइल प्रोवाइड किया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके डायरेक्ट डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से वो इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि अपडेट आया है आई थीम का वो अच्छा ना लगे तो आप उसको कैसे पहले वाले वर्जन में जाएंगे, इसके लिए सिंपल सा तरीका है दोस्तों। सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है एप्स मैनेजर, ठीक, और यहाँ पे आपको सर्च करना है जो भी आपका थीम का आइकॉन आएगा उसको एक बार सर्च कर लेना है। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये थीम आ रहा है, इसको क्लिक करना है और अनइंस्टॉल अपडेट कर देंगे तो वो पुराने वर्जन में आ जाएगा जो कि आपका 6.8 वाला जो वर्जन है उस पे चला जाएगा, तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद।